हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने सही पोस्टों को यहाँ पर शो कराया था। एंड आज की क्लास में क्या करेंगे, हम लोग न्यू कोर्स किस तरीके से ऐड करेंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, ये सीखेंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए यूआरएल सेट करेंगे। सो यूआरएल क्या बनेगा, हमारे यहाँ पे पोस्ट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे बनेगा ऐड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक यूआरएल सेट करेंगे। सो आते हैं अपने वीएस कोड में। एंड यहाँ पे मैं पहले सबको क्लोज कर लेता हूँ। एंड क्लोज करने के बाद जो हमारी डैशबोर्ड एप्लीकेशन है, इस डैशबोर्ड एप्लीकेशन पे आएंगे यू आर एल फाइल ही। एंड यहाँ पे आके हम लोग जो पोस्ट नाम से बनाया था ना, यू आर एल मतलब पाथ जो बनाया था, इसी पाथ को कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद कॉमा लगा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, फिर आपको कॉमा लगाना है। एंड पोस्ट हो गया, यहाँ पे करेंगे ऐड, ऐड करना है। इसके बाद व्यू में यहाँ पे लगेंगे ऐड अंडर स्कोर पोस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ भी ऐड अंडर स्कोर पोस्ट करना है आपको। सिमिलरली इस एड अंडर स्कोर पोस्ट के लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड चलेंगे अपने व्यूज फाइल के अंदर। यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लेंगे हम लोग, यहाँ पे डैश एड अंडर स्कोर पोस्ट, पहला आर्गूमेंट रिक्वेस्ट होगा इसका। यहाँ पे रिटर्न रेंडर एंड पहला आर्गूमेंट रिक्वेस्ट, एंड इसके बाद एक टेम्पलेट फाइल। तो ये टेम्पलेट फाइल हमारी डैश बोर्ड के अंदर एड अंडर स्कोर पोस्ट POSTS post.html, ये। सो एड अंडर स्कोर पोस्ट डॉट एच टी एम फाइल नाम से हमको एक फाइल बनानी पड़ेगी। कॉपी करते हैं इसको एंड आते हैं अपने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। एंड टेम्पलेट फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में हम लोग एक फाइल करेंगे क्रिएट, जो कि होगी एड अंडर स्कोर पोस्ट डॉट एच टी एम। एंड यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक H1 टैग लगा के चेक कर लूँगी कि जो हम लोगों ने कोड लिखा है प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहा। एड न्यू पोस्ट सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग पहले अपना सर्वर चेक करेंगे, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एरर नहीं। इसके बाद ब्राउजर पाएंगे, ब्राउजर पाने के बाद सेम यू आर पे आपको हिट करना है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे एड न्यू पोस्ट नाम से जो हमारा पेज बनाया था हम लोगों ने, वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसका हम लोग जी आई क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है बहुत ही, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं एंड एक्सटेंड एंड डबल डॉट के साथ स्लैश बेस, एंड इसके बाद बेस डॉट एच टी एम एल, बेस डॉट एच टी एम एल। देन अगेन यहाँ पर आते हैं एंड इसके बाद ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट, एंड यहाँ पे आके एंड ब्लॉक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हेडर एंड फुटर मिल जाएगा। सो एक बार ब्राउजर पे आके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमको यहाँ से हेडर मिल गया और यहाँ से हमको फुटर मिल गया। अब यह करेंगे हम लोग इसके लिए जो हम लोगों ने क्या किया था क्रिएट, यहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट दिखाएंगे। सो उसके लिए करना क्या करेगा, जो हम लोगों ने बनाया था ना एक एड कैटेगरीज, नहीं हाँ एड कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल एड वाला ये था। सो इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, रो को कंप्लीट रो को कॉपी करेंगे यहाँ से। यहाँ से इस कंप्लीट रो को लेंगे, इसी रो को कॉपी कर लेंगे यहाँ से हम लोग। कॉपी करने के बाद एंड एड अंडर स्कोर पोस्ट में आके इसको पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद एक बार मैं ब्राउजर पे आके चेक करूंगा कि किसका क्या रहने वाला आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो मिल गया हमको लेफ्ट साइड पर, एंड यहाँ पे हमको मिल गया एड कैटेगरीज। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे। एड कैटेगरीज के लिए करेंगे एड न्यू पोस्ट, एड न्यू पोस्ट, एंड इसके बाद लेफ्ट साइड और हमने चेंज कर ही दिया था। मैं दिखाता हूँ एक बार सर यहाँ पे क्या आ रहा है, एड न्यू पोस्ट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक फॉर्म आना चाहिए। सो जब हम लोग कैटेगरीज में हम लोगों ने किया था, जब मैं इसको ऐड कर रहा था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड था, लेकिन पोस्ट के केस में हमारे पास मल्टीपल फील्ड है। इसको मैंने यूआरएल सेट नहीं किया, यूआरएल सेट कर लेते हैं पहले। तो जब मैं यहाँ पे कर रहे थे ना हम लोग पोस्ट डॉट एच टी एल वाले फाइल पे, पोस्ट डॉट एच टी एल फाइल थी, एंड यहाँ पे हम लोगों ने यू आर एल बनाया था एक एड न्यू पोस्ट पे। तो यहाँ पे यू आर एल दे देंगे परसेंटेज परसेंटेज यू आर एल एंड एड अंडर स्कोर पोस्ट पोस्ट, ठीक है। चेक करते हैं प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहा। रिफ्रेश करेंगे पहले एंड एड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे सो यहाँ पे हमको क्या बनाना है, फॉर्म करना है क्रिएट। तो फॉर्म कैसे करेंगे, देखो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। तो हम लोगों ना आएंगे अपने मतलब
डैशबोर्ड एप्लीकेशन में जो हमने बनाया था फॉर्म्स डॉट पी आई फाइल, यहाँ पे हम लोग एक क्लास करेंगे क्रिएट। तो यहाँ पे आएंगे क्लास, एंड क्लास रहेगी हमारी ब्लॉग फॉर्म, ब्लॉग पोस्ट पोस्ट फॉर्म इस तरीके से। देन फॉर्म्स FORMS फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, ठीक है। एंड इसके बाद जो क्लास रहेगी हमारी CLSS क्लास रहेगी हमारी मेटा, META, मेटा। एंड मॉडल क्या रहेगा हमारा, इसमें मॉडल रहेगा हमारा ब्लॉग। तो ब्लॉग को अभी तक हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं कराया, सो कैटेगरी में हमारा क्या है ब्लॉग था, तो ब्लॉग को हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया ब्लॉग्स, ठीक है। एंड इसके बाद फील्ड कौन सा रहेंगे हमारे, फील्ड्स FIELDS फील्ड जो रहेंगे हमारे, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एंड इसके बाद सेम फॉर्म मुझे कहाँ पर शो कराना है, अपने डैशबोर्ड वाले फॉर्म यहाँ पे शो कराना है, तो उसके लिए व्यू पर आना पड़ेगा। सो हम लोग व्यू पर आते हैं, एंड व्यू पर आने के बाद यहाँ पे मैं इसका बनाऊंगा ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। पर इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा मुझे, सो इम्पोर्ट कैसे करेंगे, टॉप पे ना हम लोगों ने फॉर्म ये कैटेगरी फॉर्म को इम्पोर्ट कराया था, यहीं पे कॉमा लगा के अपना ब्लॉग पोस्ट फॉर्म को इम्पोर्ट करा लेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद नीचे आएंगे अगेन, एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको कंटेक्स्ट में पास कर देंगे। सो कंटेक्स्ट एंड यहाँ पे फॉर्म एंड फॉर्म, इसके बाद कंटेक्स्ट में आते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन हम लोग इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी करेंगे, या हम लोग तो ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्म के लिए कोड लिखा हुआ है सर का, सर मैं दिखाता तो हूँ आपको, एड अंडरस्कोर पोस्ट में यहाँ पे देखो CSP फॉर्म भी लोड किया हुआ हम लोगों ने, एंड यहाँ पे फॉर्म टैग का भी यूज़ किया हुआ है, मेथड हमारा पोस्ट ही है। सो बाकी सब कुछ ठीक ही है, बाकी आप ब्राउज़र पर आते हैं इसको रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सारे फील्ड्स मिल जाएंगे जो हम लोगों ने किसके लिए क्रिएट किए थे, अपने पोस्ट के लिए। तो टाइटल मिल गया हमको, स्लग कैटेगरी एंड इसके बाद ऑथर, ये सारे फील्ड मिल गए। बट हमें क्या करना है कि जैसे मान के चलो कि यूज़र है, अब किस यूज़र ने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो मैं उसका भी नाम यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा डैशबोर्ड में ना, यहाँ पे उसका मैं नाम प्रिंट करा दूंगा जो भी होगा। सो उस यूजर का मतलब वही यूजर जब पोस्ट यहाँ पे डाले, कहाँ गया पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे ना मल्टीपल यूजर सेलेक्ट नहीं कर पाए। तो जिस यूजर ने अपना अकाउंट लॉगिन किया है वो ऑटोमेटिक क्या कर ले, उस पोस्ट को यहाँ पे एडिट कर ले, मतलब उसी के नाम से पोस्ट होनी चाहिए, कोई दूसरा यूजर सेलेक्ट नहीं कर पाए। एक तो मुझे मतलब इस वाले फॉर्म को मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एज इट इज ये फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा, स्लग हम लोग ऑटोमेटिक फिल कराएंगे, तो स्लग फील्ड भी नहीं चाहिए मुझे। और बाकी फील्ड तो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा, सारे फील्ड नहीं चाहिए। तो कस्टमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो कस्टमाइज के लिए ना हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म्स डॉट पे फाइल में जहाँ पे ऑल लिखा है ना, इस ऑल की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे पैरेंथेसिस, ठीक है। एंड पैरेंथेसिस के अंदर जो जो फील्ड चाहिए वो ले लेंगे, मुझे चाहिए टाइटल, तो टाइटल ले लिया मैंने। एंड इसके बाद फिर मुझे चाहिए कैटेगरी, कैटेगरी एक बार मैं ना चेक कर लूँगा भाई पोस्ट कटा यहाँ से। एंड मॉडल में आएंगे हम लोग, क्योंकि ये सारे फील्ड कहाँ से आ रहे हैं, मॉडल से आ रहे हैं। सो ये वाला मॉडल नहीं, ब्लॉग वाला मॉडल, तो मैं यहाँ से आऊँगा ब्लॉग, और कहाँ गया हमारे ये रहा ब्लॉग में मॉडल्स, यहाँ से हमको सारे फील्ड मिल जाएंगे जो भी फील्ड चाहिए। एंड अब मुझे चाहिए होगा फॉर्म, मैंने फॉर्म को भी यहाँ से हटा दिया था, फॉर्म इसको भी हटाता हूँ, फॉर्म आ गया बट मॉडल चला गया, ऐसे करके अलग से ओपन कर देंगे इसको, ठीक है ऐसे करके। सो अभी फॉर्म आते हैं, तो टाइटल ले लिया हम लोगों ने, इसके बाद कैटेगरी के लिए मैंने क्या लिखा था कैटेगरी में, यहाँ पे एक कैटेगरी फील्ड हो गया। एंड इसके बाद मुझे चाहिए फीचर्ड इमेज वगैरह चाहिए क्या, एक बार देख लेता हूँ कैटेगरी आउटपुट देखना पड़ेगा मुझे भाई। एक नेम टाइटल ले लिया, कैटेगरीज ले लिया हम लोगों ने, ऑथर ले लिया, उसके बाद ब्लॉग इमेज भी चाहिए होगी मुझे,
बात है। एंड ऑथर ले रही, ऑथर लेना है। एंड इसके बाद मुझे ब्लॉग इमेज लेनी है, ब्लॉग इमेज लेनी है। एंड इसके बाद मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ से, कॉपी एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पर आने के बाद ब्लॉग बॉडी, इसके बाद स्टेटस, तो इस फीचर ले लेंगे। वैसे हम लोग कर सकते हैं कि ड्राफ्ट में रखना है पब्लिश में, तो स्टेटस तो मैंडेटरी है, स्टेटस ले लेंगे यहाँ से हम लोग। स्टेटस यहाँ से स्टेटस हो जाएगा। एंड स्टेटस के बाद इस फीचर्ड, इस फीचर, ये सारे फील्ड्स आएंगे। और अभी कौन कौन से हैं, इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बॉडी एंड ड्राफ्ट भी है, एंड इसके बाद इस फीचर, ठीक है। सो ये सारे फील्ड्स हम लोगों ने ले लिए। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं, सो देखते हैं कस्टमाइज होता है नहीं होता। कस्टमाइज हो गया, अभी क्या क्या फील्ड है देखो। टाइटल आ गया हमारा, सिलेक्ट फील्ड हमको नहीं चाहिए, सिलेक्ट क्यों आ रहा है देखो। टाइटल, कैटेगरी, ऑथर, इसके बाद ब्लॉग इमेज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बॉडी, स्टेटस, फीचर्ड। ऑर्डर रिफ्रेश करते हैं, मुझे ना सर्वर को बंद करके चालू करना पड़ा। कंट्रोल सी करते हैं, CLS, इसको रन करते हैं दोबारा से। अभी क्या दिखा रहे हैं, अननोन फील्ड ब्लॉग अंडरस्कोर इमेज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। सो ब्लॉग अंडरस्कोर इमेज फील्ड है नहीं क्या इसके अंदर, ब्लॉग इमेज, ब्लॉग इमेज का स्पेस शायद दे रखा था मैंने, सबसे रीड नहीं कर रहा हूँ कोई। करते हैं रन करते हैं, ठीक है रन हो गया। इसके बाद ब्राउजर पाके इसको रिफ्रेश करते हैं। सो अभी आप देखेंगे वो चला गया। तो एक्चुअली में क्या था कि हमने ना उस फील्ड में एक स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ था, जिस वजह से वो रीड नहीं कर पा रहा था फाइल को। एंड अभी प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये एक टाइटल फील्ड ले लिया हम लोगों ने, एक कैटेगरी फील्ड ले लिया हम लोगों ने, यहाँ से कैटेगरी ले सकता है। ऑथर हम लोग क्या करेंगे, उसको बाय डिफॉल्ट ही यूजर लेंगे, यहाँ से ऑथर नहीं चाहिए होगा हमको, तो मैं ऑथर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑथर तो हम उसको जिसने लॉग इन किया हुआ उसी के बेस पे उसको पोस्ट असाइन करा देंगे। तो ये ऑथर हट जाएगा। उसके बाद ब्लॉग इमेज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बॉडी, स्टेटस एंड फीचर, ठीक है। बाकी सारे फील्ड हमको मिल जाते हैं। सो ये तो इतना रेडी हो गया हमारा कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म ऐड करते हैं। नाउ इसके बाद जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो सबमिट करेंगे तो ये डेटा क्या हो जाना चाहिए, सेव होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। एंड आने के बाद यहाँ पे ना हम लोग आ गया, फॉर्म का काम तो खत्म हो गया। व्यू में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि क्योंकि हमने जो वहाँ पे मेथड लगाया वो पोस्ट मेथड लगाया, मैं दिखा दूंगा आपको यहाँ पे कहाँ पे गया, एड अंडरस्कोर पोस्ट में यहाँ पे, ठीक है ये रहा। तो मॉडल को हटाओ यहाँ से। अब इसके बाद मेथड क्या है हमारा, पोस्ट, तो पोस्ट है तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू, इक्वल टू पोस्ट। अगर पोस्ट है तो यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे, अगर नहीं है तो बाकी हम लोग फॉर्म शो करा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट को सबमिट करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट ही आएगी, तो वहाँ पे हम लोग फॉर्म की वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो फॉर्म रहेगा हमारा ब्लॉग पोस्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट फॉर्म। एंड इसके बाद चेक करेंगे इफ फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड, इज अंडरस्कोर वैलिड, अगर है तो आप क्या करो, फॉर्म को सेव कर दो, ठीक है। सेव करने के बाद इसको रिटर्न कर दो एंड रीडायरेक्ट कर दो। रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, इसको आप कर दो पोस्ट पर, तो POSTS। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो
ये कहाँ कर देगा आपको रिडायरेक्ट, पोस्ट में कर देगा। और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, एंड एल्स में हम प्रिंट करा लेंगे किसको, एरर मैसेज। तो यहाँ पे समथिंग एरर हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ एरर होगा, एंड यहाँ पे अगर सेव होने के बाद ये हो जाएगा सक्सेस, प्रिंट सक्सेस एस यू डबल सी डबल, सिर्फ चेक करने के लिए कि ये कोड हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो सर्वर चेक करते हैं पहले, तो सर्वर में कोई एरर नहीं, उसके बाद ब्राउजर पर आते हैं, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और एक बार डेटा फिल करते हैं। तो जैसे लोग मैंने आपके टेस्ट एंड कैटेगरी में यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ, साइंस ले ली मैंने यहाँ से, इमेज हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं डाउनलोड पे आके, मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, तो मैंने इसे यही ले लेता हूँ। चलो इसके बाद मैंने इसको ओपन कर लिया, एंड ओपन करने के बाद यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला मैंने, कुछ भी रख दिया यहाँ से, बॉडी कुछ भी ले ली मैंने यहाँ से, एंड इसके बाद स्टेटस पब्लिश कर दूंगा एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करा और हम लोग कहाँ नहीं गए, पोस्ट वाले पेज पे नहीं गए, अपना टर्मिनल चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक एरर दिखा रहा है। अब एरर क्या है, एरर मुझे अगर एक्यूरेट मैसेज चेक करना है कि एरर आ क्या रही है एक्चुअली में यहाँ पे एरर, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एरर डॉट मैसेज, एरर ई डबल आर ओ एरर डॉट एम ई मैसेज, ठीक है। इस तरीके दिखाता हूँ आपको भी, आपको फॉर्म्स फॉर्म डॉट एरर ई डबल आर ओ आर एस एरर, इससे पता लग जाएगा कि एक्चुअली में एरर क्या चीज़ की आ रही है। सो अगेन मैं इसको रिफ्रेश करके ना अनफिल करूँ, और आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही करना है ताकि ये आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में एरर कहाँ पर आ रही है। कंट्रोल सी से मैं सर्वर को दोबारा रन करता हूँ, एंड यहाँ दिखा रहा है फॉर्म डॉट एरर्स, ओके कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल फ्रॉम दिस, सो ओके नो डाउट, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल, एल्स हो गया अब ठीक रहेगा, क्योंकि मैं इफ के अंदर चला रहा हूँ। अगर ये सेव हो गया तो ये चलेगा, नहीं होगा तो ये चलेगा चलेगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे मैंने अगेन से टेस्ट लिखा, एंड साइंस ले ली मैंने यहाँ से, कोई भी इमेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो मैंने इमेज ले ली यहाँ से डाउनलोड पे भी करके, एंड इसके बाद यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एंड इसके बाद बॉडी एंड पब्लिश्ड, एंड उसके बाद सबमिट किया। सबमिट करने के बाद अभी हम चेक करेंगे टर्मिनल। सो यहाँ दिखा रहा है कि डैशबोर्ड ब्लॉग अंडरस्कोर इमेज दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब कि वो इमेज को क्या नहीं कर रहा है, सब मतलब सबमिट नहीं कर पा रहा है। सो इमेज के लिए क्या करते हैं कि जब भी हम लोग फॉर्म से इमेज गेट करते हैं, मतलब इमेज फील्ड होता है, उसके लिए हम ना यहाँ पे फॉर्म टैब के अंदर ना एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं हम लोग एन सी टाइप, ई एन सी टाइप। एन सी टाइप में यूज हम लिखते हैं मल्टी पार्ट डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये आपको ध्यान रखना, जब भी आपके फॉर्म में इमेज फील्ड अगर आपने यूज किया है तो उसके लिए आपको ये फाइल मतलब ये लाइन लिखनी क्या जाती है, मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जब फॉर्म जाएगा हमारा, देन आपको व्यू में आना है, एंड व्यू में आने के बाद यहाँ पे अभी तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से आपको जितना भी टेक्स्ट फील्ड के जितने भी डेटा है वो आप गेट कर लोगे, लेकिन वहां से इमेज आ रही है तो इमेज को हम लोग फाइल बोलते हैं। तो फाइल फील्ड को अगर आपको गेट करना है, क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, एफ आई एल ई एस, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, एफ आई एल ई एस फाइल्स, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं, एंड इसके बाद देखेंगे कि क्या इश्यू आता है। तो ब्राउजर पाते हैं, एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये एरर चला जाना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, बाकी दूसरा आएगा तो देखेंगे उसको फिर हम। यहाँ से अगेन मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ये बॉडी डिस्क्रिप्शन, एंड इसके बाद स्टाफ पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश एंड सबमिट कर देते हैं, सबमिट किया। यहाँ दिखा रहा है इंटीग्रिटी एरर नॉट नल कांस्टेंट फील्ड ब्लॉग ओ ब्लॉग अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट ऑथर अंडरस्कोर आईडी। तो इसको क्या नहीं मिल रहा है, ऑथर की आईडी नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने ऑथर को सिलेक्ट ही नहीं करवाया उससे, और वो बाय डिफॉल्ट जो जिसने अकाउंट यूजर किया है
उसका डेटा वो मिल नहीं पा रहा था। कुल मिला के ये अभी फील्ड फिल नहीं हो रहा है, इस वजह से एक नॉर्मल कॉन्स्टेंट का एरर दे रहा है, मीन्स कि ये एसक्यूएल का एक एरर है। तो इसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, तो हम क्या चाहेंगे कि जब यूजर डेटा को सेव करता है तो उस समय हम क्या करेंगे, यूजर की आईडी प्रोवाइड करा देंगे। तो वो कैसे कराएंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग यहाँ पर डेटा को सेव करा रहे हैं फॉर्म डॉट सेव, तो सेव से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट इक्वल टू फॉर्म्स, क्योंकि फॉर्म डेटा आ रहा हमारा, फॉर्म डॉट सेव किया ये, इसको हम लोग कमिट कर देंगे, कमिट एंड फॉल्स कर देंगे। कमिट फॉल्स का मतलब क्या है कि पार्शियली आप डेटा को सेव करो, ठीक है, परमानेंट आपको सेव नहीं करना है अभी। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर्म हो गया देन यहाँ पे, फिर हम लोग पोस्ट से, क्योंकि इसमें सारा का सारा डेटा होगा आपका जब सेव किया, तो देन यहाँ पे पोस्ट डॉट ऑथर भी होगा, ऑथर हमने ऑथर को एक्सेस गेट किया, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर पोस्ट लिखना है मुझे यहाँ पे POST, यार मैंने पूरा हटा दी इसको यहाँ पे, एंड रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो जो भी यूजर होगा उसकी वैल्यू कहाँ पर सेंड करा दो आप, पोस्ट डॉट ऑथर में, एंड देन इसके बाद इस पोस्ट को सेव करा दो। आप इस पोस्ट को सेव कर दो एंड ठीक है, बाकी प्रिंट एक्सेस करा दो और कहाँ भेज दो उसको, पोस्ट वाले पेज पे। चलो अब चेक करते हैं ये प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहे। तो हम लोग ब्राउजर पर आते हैं एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड अगेन हम लोग यहाँ पे टेस्ट डालेंगे। सो कैटेगरीज साइंस, इमेज कर लेते हैं सेलेक्ट, कोई भी इमेज ले ली मैंने यहाँ से, एंड इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बॉडी एंड पब्लिश्ड एंड सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा डेटा तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये तो पता लग गया कि किस तरीके से ऐड हो रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन करें, लोकल होस्ट स्लैश एडमिन, ठीक है, अगर हम लोग ब्लॉक्स में आते हैं, एंड ब्लॉक्स में आने के बाद अभी जो हम लोगों ने टेस्ट करके ओपन किया है ना, ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख लो इसका सेलेक्ट फील्ड अभी भी क्या है, एम्प्टी है, और हम चाहते हैं कि ये सेलेक्ट प्रॉपर तरीके से मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होना चाहिए। बट देखो इसका ना एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर मैं होम पेज पर आता हूँ, होम पेज पर आने के बाद देख लो नो रिवर्स मैच एट पैटर्न्स ब्लॉक्स, तो इसमें ये भी एरर दे रहा है, ठीक है, नहीं दिखा रहा ना, यू आर एल ब्लॉक्स पोस्ट डॉट सेलेक्ट, तो उसको सिलेक्ट फील्ड नहीं मिल पा रहा है टाइटल के अंदर। तो जब सिलेक्ट नहीं मिलेगा तो उसके अंदर क्या देगा हमको, ये एरर देगा। तो इससे बचने के लिए हमें एक लॉजिक और लिखना पड़ेगा बेसिक सा, और वो लॉजिक क्या रहेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब हम लोग पोस्ट कर रहे हैं क्रिएट, तो हम चाहेंगे कि जो उसका जो सिलेक्ट है वो क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए। तो सिलेक्ट को कैसे करेंगे क्रिएट, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो मैं उसके लिए कर लूंगा यहाँ पे आ गया व्यू पोस्ट यहाँ पे। जैसे ही हम लोगों ने पोस्ट को सेव किया, सेव करने के बाद हम सेलेक्ट फील्ड वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो फंक्शन है हमारा स्लगीफाई, ठीक है, तो मैं लिखूँगा पोस्ट डॉट स्लग, एंड स्लग में क्या पास करेंगे, स्लगीफाई SLU, इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा मुझे। सो मैं टॉप पे आता हूँ एंड यहाँ पे कर लेंगे इसको इम्पोर्ट। सो फ्रॉम जेंगो डॉट टेम्पलेट डॉट डिफॉल्ट फिल्टर्स, एंड इसके बाद इम्पोर्ट करेंगे हम लोग अपना स्लगीफाई, स्लगी फाई इसको ऐड कर, सिलेगी फाइव को हम किसको यूज कर लेंगे नीचे यहाँ पे आ गया यहाँ पे सिलेगी फाइव, ठीक है। अब सिलेगी फाइव में आप किसको सिलेक्ट बनाना चाहते हो, किस फील्ड को सिलेक्ट बनाना चाहते हो, वो पास करना आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया भाई टाइटल को TITLE, टाइटल TITLE टाइटल, बस टाइटल फील्ड तो अभी हम लोगों ने कोई गेट ही नहीं किया, मतलब टाइटल फील्ड क्या है,
तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग गैड करते हैं टाइटल। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइटल एंड फॉर्म, फॉर्म डॉट क्लीन अंडरस्कोर डेटा, क्लियर नहीं, क्लीन CLEAR, क्लीन अंडरस्कोर डेटा, एंड डेटा फील्ड का नाम पास कर देंगे टाइटल DITL। तो यहाँ से हमको टाइटल तो मिल जाएगा, इस टाइटल को हम लोगों ने यहाँ पास कर दिया सिलेक्टिफाई में, ये सिलेक्ट फील्ड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देन जब ये ऐड हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगेन पोस्ट को सेव कर देंगे, समझ लो आप, ये हमारा सेव हो गया। सेव करने के बाद अभी मैं ब्राउजर पाता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे जो हम लोगों ने फील्ड बनाया था ना, ये वाला टेस्ट वाला, इसको मैं एंड इस दोनों को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, बाकी बाद में कर लेंगे। ठीक है, दोनों पेस्ट को हटा दिया, एंड यहाँ पे हम लोग न्यू न्यू पोस्ट को ऐड करेंगे। तो जिसमें का टेस्ट कैटेगरी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कोई भी, साइंस ले ली, इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी इमेज ले ली मैंने यहाँ से, एंड इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया एंड पब्लिश्ड एंड सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया हमारा। एंड इसके बाद अगर हम लोग डैशबोर्ड में आते हैं एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, टेस्ट को अगर मैं ओपन करूँ यहाँ से टेस्ट, तो यहाँ पे देखूंगा टेस्ट नाम का फील्ड आपका क्रिएट हो गया। बट अगर हम लोग पोस्ट में आते हैं, अगेन अगेन हम लोग पोस्ट में आते हैं यहाँ पे, एंड मैंने एक न्यू पोस्ट क्रिएट करी यहाँ पे, मैंने कह दिया भाई टेस्ट। इसके बाद फिर से मैंने एक बनाया एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इमेज दे दी कोई भी, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ भी दिया, बॉडी दे दिया, एंड इस पब्लिश ड्राफ्ट करके सबमिट करेंगे। तो उस केस में यहीं पर रहिए, और क्या मिल गया आपका, एरर एक तरीके से, यहाँ पे एक एरर मिल गया ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो सिलेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि जो सिलेक्ट है हमारा वो क्या रहे, डुप्लीकेट रहे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जैसे जब हम लोगों ने ब्लॉग एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने मॉडल बनाया था ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल क्या रखा था अपना, यूनिक, सिलेक्ट को हम लोग ब्लैंक रख सकते हैं, तो जो हमारा टाइटल है वो क्या नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो टाइटल वहाँ पर डुप्लीकेट हो गया और सिलेक्ट वहाँ पे यूनिक होना चाहिए, तो इस केस में क्या मिल रहा है हमको, वो एरर मिल रहा है। ठीक है भाई, सो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक न्यू टाइटल लिख देंगे, जैसे मैंने कह दिया भाई दिस इज टेस्ट ब्लॉग, टेस्ट ब्लॉग साइंस कर दिया, इमेज ले लेते हैं, उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन देते हैं बेसिक से, हम लोग यहाँ पे देते हैं बस चेक करने के लिए कि प्रॉपर काम कर रहा है, कर रहा, सबमिट करते हैं एंड ये आपका ऐड हो जाएगा दिस ब्लॉग। इसको अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे ब्लॉग में गई एंड दिस इज ब्लॉग, एंड यहाँ पे क्या बन गया हमारा, सिलेक्ट बन के रेडी हो गया हमारा, परफेक्ट। ठीक है, सो डुप्लीकेट क्या नहीं कर सकते हम लोग, टाइटल क्रिएट नहीं कर सकते, एंड टाइटल क्रिएट नहीं होगा तो हमारा सिलेक्ट भी क्या नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। बट माई चांस हम लोगों ने यहाँ पे एक और ये बनाया, टाइटल बनाया है यहाँ पे ब्लॉग वाला बनाया कैटेगरी, वैसे तो इनफ है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, एंड अब हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं वैसे मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर पड़ती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरे साइड से पूरा पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से अगर मुझे किसी एक पार्टिकुलर पोस्ट को एडिट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।